कोटा के रामगंज मंडी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये राशि निर्माण स्वीकृति के बदले मांगी गई थी। कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने बताया कि परिवादी ने ACB कोटा कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की थी। अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। 4 लाख रुपए में मामला तय हुआ। 1.5 लाख नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र को पहले ही दी जा चुकी है। उनकी पत्नी के नाम एक मकान का प्लॉट था जिसके मकान की स्वीकृति निर्माण स्वीकृति के लिए पहले ही चेयरमैन के पुत्र सौरभ शर्मा ने उनसे 1 लाख रुपए लिए, 1.5 लाख रुपए पहले लिए और 1 लाख की और डिमांड की ईओ ने, जो कल उन्होंने लिए हैं। और कल रात को 12 बजे इन्होंने रिश्वत राशि ली है ईओ नगर पालिका ने, जो अपने घर में चले गए और ACB ने उनको प्रयास किया गेट वगैरह खुलवाने का, तो उन्होंने दरवाजे के बंद कर लिया, किसी को आने नहीं दिया और एक एक नोट को जलाने लगे। इस प्रकार से 13 नोट तो पूरी तरह जल गए और बाकी कुछ नोट थे जो उन्होंने आधे जले हुए थे वो मटकी में डाल दिए, जिसका पानी भी हमने स्टोर कर लिया। कुछ नोट बच गए हैं और उनकी हाथ धुलाई की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई जिसमें उनकी कलर आया है हाथों में, उन्होंने रिश्वत ली। तो 3-3.5 लाख तक मांग रहे थे, 1.5 लाख तो पहले दे चुका, फिर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं तुम्हारी तो पार्किंग गलत जगह बनी हुई है तो कटेगी, इस पर रेड निशान लगा दिया और तोड़ने के लिए नहीं तोड़ने के लिए इन्होंने पैसे लिए हैं कि इसकी एवज में पैसे दोगे तो तुम्हारा नहीं टूटेगा, नहीं तो हम बहुत लोगों का टूट तोड़ चुके हैं।